हेलो फ्रेंड्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी एन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 दोनों एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेथड सीखने जा रहे हैं। उसमें से एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कह सकते हैं, और सेकंड है फॉर्मूला मेथड, जहां पे हमें फॉर्मूला यूज़ करके दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3। देखिए, इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम दो मेथड नए देखने जा रहे हैं। एक है मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर और दूसरी है फॉर्मूला मेथड। यही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला मेथड यूज़ करके हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, लुक हियर, फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए अभी मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, जिस फॉर्मेट में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वही फॉर्मेट आप हमेशा के लिए अगर यूज़ करते हो देन इट विल बी यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। 11th और 12th में भी यही मेथड आप वहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसलिए मैं जिस मेथड से आपको बता रहा हूँ वही मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो फ्यूचर में भी वो फॉर्मेट आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। जब भी हमें मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज़ करनी है, लुक हियर, हमें देखना है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है। थोड़ा सा हम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट टर्म और स्क्वायर टर्म, इन दोनों के स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते थे, और उसके फैक्टर्स हम इस प्रकार से कंसीडर करते थे कि जिसका जिन फैक्टर का सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में किया है। अब जब आपको मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर यूज़ करना है, ध्यान दीजिए, हम हमेशा स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे। हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी वन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी वन, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब 1 नहीं है, ठीक है। हम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर जब भी यूज़ करने जाएंगे तब हमें देखना है कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं तो उसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब इस 2 की जगह हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये 2 की जगह 2x² जो है, 2x² इंस्टेड ऑफ 2x² वी नीड देयर x², समझ रहे ना आप, 2x² की जगह हमें x² चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सिंपली x². इसका मतलब इस 2x² को 2 से डिवाइड करना हमारे लिए नेसेसरी है। हमें पता है सिर्फ हम एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है तो इक्वेशन के दोनों साइड को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना है तो उसी तरह से है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, लुक हियर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, दोनों साइड को हम टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टू से डिवाइड किया तो ये टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा, माइनस सेवन एक्स अपॉन टू रहेगा, प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू ज़ीरो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमने दोनों साइड को टू से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन चाहिए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर या रहेगा माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, दोनों साइड को टू से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन चाहिए था। अब हम जाएंगे मिडल टर्म के तरफ, मिडल टर्म के पास। देखिए, इसे हम स्क्वायर टर्म कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसे हम मिडल टर्म कहते हैं। मिडल टर्म हम किसे कहेंगे, जिस टर्म में एक्स रहेगा उसे कहेंगे हम मिडल टर्म, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल का पावर वन जिस टर्म में रहेगा उसे कहेंगे हम मिडल टर्म। अब हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखना है। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको हमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये रफ में करता हूँ, साइड में करता हूँ इधर, ठीक है। हमें क्या करना है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखना है, कितना है, माइनस सेवन बाई टू, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस सेवन बाई टू। इस मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे। वन बाई टू इंटू माइनस सेवन बाई टू, इट विल बी माइनस सेवन बाई फोर। हमेशा यही करना है, पहले स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन लाना है, अगर वन नहीं है तो, वन है तो ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट वन नहीं दिया है, तो यही प्रोसेस, यही मेथड हमें यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। फिर हमने क्या किया, मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया। वन बाई टू इंटू माइनस सेवन बाई टू हमें मिला है माइनस सेवन बाई फोर। अब इस माइनस सेवन बाई फोर का हमें स्क्वायर लेना है। माइनस सेवन बाई फोर का स्क्वायर 49/16 रहेगा, ठीक है। और इस टर्म को हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। क्या किया हमने, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखा, उसको 1 बाई टू से मल्टीप्लाई किया, आंसर माइनस सेवन बाई फोर मिला। इस माइनस सेवन बाई फोर का स्क्वायर लिया, 49/16 मिला। लुक हियर, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस 49/16, ठीक है। यहाँ पे माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ रहे हैं, हमने इस टर्म को प्लस और माइनस किया। देखिए, प्लस और माइनस लिया, इसका मतलब ये और ये टर्म सेम है, क्योंकि क्या किया, जिस टर्म को ऐड किया उसी टर्म को हमने सब्सट्रैक्ट किया है। अब देखिए, आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स पे ध्यान देना है, इन तीनों टर्म्स पे, ठीक है। आपको पता है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पता है आपको। अगर इसको आप यहाँ पे यूज़ करते हो, इस टर्म को, मतलब इस एक्सपांशन को, ठीक है ना, इस एक्सपांशन को अगर हम यहाँ पे यूज़ करते a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर यहाँ पे हमारा x है, एक्स स्क्वायर है, माइनस टू ए बी। अब देखिए, इन थ्री टर्म्स को, ये जो थ्री टर्म्स आपको दिख रहे, ध्यान दीजिए, ये जो थ्री टर्म्स हमारे पास है, सपोज हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब हमेशा यही करना है आपको, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, एक्स, ओके। फिर मिडल टर्म का साइन लेना है, कितना है, माइनस, माइनस रहेगा तो माइनस लेते हैं हम, प्लस रहेगा तो प्लस लेना है, माइनस। फिर जो थर्ड टर्म है, जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, क्या रहेगा, सेवन बाय फोर, और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। देखिए,
ध्यान दीजिए, x माइनस सेवन बाय फोर ब्रैकेट स्क्वायर के लिए अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो इस प्रकार की, मतलब ये थ्री टर्म्स आपको मिलेगी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल, वो मिलेगा आपको 7/2x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर 49/16 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये थ्री टर्म्स को हम क्या लिख पाएंगे, x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, मिडल टर्म का साइन यूज़ करना है और कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 49/16 माइनस 3/2 इक्वल्स टू जीरो। समझ रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये आपको हमेशा इसी प्रकार से यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा हमारे पास x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 49/16, यहाँ पे 3/2 है। अगर इन दोनों का हमें सब्स्ट्रैक्शन लेना है तो दोनों प्लेसेस में हमें डिनोमिनेटर सेम लगेगा, इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। देखिए क्या लिख पाएंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप ले सकते हो, जिसे हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर हमने यहाँ पे सपोज 16 एलसीएम लिया, देखिए अब इस 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 रहेगा, 1 से 49 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 49 आएंगे माइनस, इस 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 मिलेगा और 8 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिला हमें 49 माइनस 24/16, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। अब ये इसको हम लिख पाएंगे x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, माइनस 49 माइनस 24 इट विल बी 25/16 इक्वल्स टू जीरो। x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हम यूज़ करने जाएंगे, देखिए आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स रहते हैं, एक ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको पता है। इस प्रकार से इसके दो फैक्टर्स रहते हैं, अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5/4 ब्रैकेट स्क्वायर को किस तरह से लिख पाएंगे, फिर हम a माइनस बी, ए मतलब x माइनस 7/4, b 5/4, इट विल बी x माइनस 7/4 माइनस 5/4, x माइनस 7/4 माइनस 5/4, फिर इसके बाद x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल्स टू जीरो, ओके, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब x माइनस माइनस 7/4 माइनस 5/4, ठीक है, देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब या तो आप इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर इक्वल टू जीरो भी ले सकते हो। सपोज यहीं पे अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से माइनस साइन अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 7/4 प्लस 5/4, यहाँ पे रहेगा x, यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया तो ये माइनस, ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टर्म माइनस होगा, माइनस 5/4 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसे मुझे रब करना पड़ेगा, देखिए यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छी तरह से समझा होगा। क्या किया हमने, ये हमें इक्वेशन दिया था, दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। फिर दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किए बाद हमें मिला 2x² / 2 - 7x / 2 + 3/2 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू जीरो। अब हमने देखा मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 7/2 है। मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमें वहाँ पे मिला माइनस 7/4, फिर माइनस 7/4 का हमने स्क्वायर लिया, वो मिला हमें 49/16। उस 49/16 को हमने प्लस और माइनस किया। ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है, हमेशा ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स रहेंगे ये कंप्लीट स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। और ये सेकंड टर्म है, ये भी हमें कंप्लीट स्क्वायर मिला है। वैसे तो हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मिला ही है, x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में लिखा है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया इस टर्म को, ठीक है ना। इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसीलिए इस मेथड को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। फिर इस प्रकार के दो टर्म्स मिले हमें, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इन द फर्स्ट ब्रैकेट इंटू इन साइड द सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 7/4 प्लस 5/4 ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ से हमने अब माइनस साइन को बाहर लिया, ब्रैकेट में 7/4 प्लस 5/4 मिला है, यहाँ से भी हमने माइनस को बाहर लिया, ब्रैकेट में 7/4 माइनस 5/4 मिला है, ओके। अब देखिए इधर का जो पार्ट है इसे मैं रब करता हूँ, क्योंकि आगे भी हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इस पार्ट को मैं रब करता हूँ। देखिए अब इसके बाद हम क्या लिख पाएंगे, ये 7/4 प्लस 5/4 मतलब क्या मिलेगा हमें, 12/4। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का सम ले पाएंगे, ठीक है। क्या मिलेगा फिर हमें यहाँ पे, x माइनस 12/4 इंटू इनसाइड द सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2/4 इक्वल्स टू जीरो, ओके। नाउ इट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो और x माइनस 1/2 इक्वल्स टू जीरो, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/2, ये हमें यहाँ के रूट्स मिले हैं। देखिए ये रूट्स सही है या नहीं आप चेक कर सकते हो, दोनों भी रूट्स को अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, इसमें देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 9 18, 7 इंटू 3 21 प्लस 3, 18 माइनस 21 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 इट विल बी 0, मतलब x इक्वल्स टू 3 दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब x इक्वल्स टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 1/2, ओके लुक हियर, 2 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/2 प्लस 3, 2 इंटू 1/4 माइनस 7/2 प्लस 3, 2 ने अगर 1/4 को मतलब 2 ने अगर 4 को हमने डिवाइड किया, 2 2 4, तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, 1/2 माइनस 7/2 इट विल बी माइनस 6/2, माइनस 6/2 प्लस 3, माइनस 6/2 माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 0, इसका मतलब ये वैल्यू भी इसे सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/2 बोथ वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, दिए हुए हमने जो आंसर्स फाइंड किए हैं बोथ आंसर्स बोथ वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर अवर आंसर्स आर करेक्ट, अवर रूट्स आर करेक्ट। हमें क्या फाइंड करना था, रूट्स फाइंड करने थे, वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड
रूट्स आर, रूट्स क्या रहेंगे, एक्स इक्वल्स टू थ्री और एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू. एक्स इक्वल्स टू थ्री चाहे तो आप एंड भी कह सकते हो, एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स. ठीक है, देखिए इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ में यूज़ करना है. और मेथड ऑफ कंपेयरिंग स्क्वायर जहाँ पे भी अभी आपको यूज़ करनी पड़ेगी अब इसके बाद, तो आपको यही फॉर्मेट में उसे यूज़ करना है. सेकंड सब क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, इट इज़ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे भी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट वन नहीं है, तो जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे. Dividing both sides by 2. Okay, यहाँ पे मिलेगा हमें 2x square upon 2 plus x upon 2 minus 4 upon 2 equals to 0. It means x square plus x by 2 minus 2 equals to 0. अब हम देखेंगे middle term का coefficient. ओके, मिडल टर्म इज एक्स बाई टू, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, वन बाई टू इन टू एक्स. मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू. इस माइनस वन बाई टू को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है. मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको हमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है. वन बाई टू इन टू माइनस वन बाई टू, इट विल बी माइनस वन बाई फोर. और इस माइनस वन बाई फोर का हमें स्क्वायर लेना है, ये मिलेगा वन अपॉन सिक्सटीन. माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन. वन अपॉन सिक्सटीन, इस टर्म को आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्सटीन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो. जो टर्म हमें मिला था उसको हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें पता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन. हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो थ्री टर्म्स हमें दिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्सटीन, इन थ्री टर्म्स के लिए अगर हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, सिंपली हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर टर्म है इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है. इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, x मिलेगा. इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, 1 बाई फोर मिलेगा. 1 अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर रूट 1 बाई फोर. और मिडल टर्म का साइन देना है प्लस, x प्लस 1 बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर. अगर आपने x प्लस 1 बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपको यही टर्म्स मिलेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्सटीन. आपको सिंपली क्या करना है, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेना है और मिडल टर्म का साइन देना है, एक्स प्लस वन बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहाँ से हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा वन बाय सिक्सटीन प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे x प्लस वन बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो हमें कंप्लीट स्क्वायर मिल चुका है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर. ये तो हमें यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मिल चुका है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है. नाउ देयरफॉर x प्लस वन बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस वन प्लस थर्टी टू, कैसे आए, 16 से 2 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 इंटू टू 32 अपॉन 16 इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, देयरफॉर क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 33 अपॉन 16 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब दो टर्म्स को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट टर्म तो हमारा x प्लस वन बाई फोर ब्रैकेट स्क्वायर है. सेकेंड टर्म को अगर हमने इस प्रकार से लिखा तो चलेगा क्या, देखिए, स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 33 का स्क्वायर कितना आएगा, 33,
और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो यहाँ पे फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स कंसिडर करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ का ए मतलब एक्स प्लस वन बाय फोर और बी मतलब स्क्वायर रूट 30। देखिए ए मतलब एक्स प्लस वन बाय फोर और बी स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। देन इट विल बी लुक हियर, ये क्या रहेगा हमारे पास एक्स प्लस वन बाय फोर माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। ओके नेक्स्ट एक्स प्लस वन बाय फोर प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो x प्लस दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है x माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 एंड हियर x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको रब करता हूँ, चलेगा ठीक है ना? चाहे तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको कुछ भी वैसे दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब इसे मैं रब करता हूँ, देखिए इसके आगे हमें क्या मिलेगा। अब हमें क्या करना है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी ज़ीरो, दोनों में से कोई तो भी एक ज़ीरो रहना ही चाहिए या फिर दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। Therefore, हम यहाँ पे लिख पाएंगे x प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। Therefore, x इक्वल्स टू, अब ये टर्म को अगर हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 और x माइनस x इक्वल्स टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। ओके इस कंप्लीट टर्म को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे प्लस है साइन चेंज होगा माइनस मिलेगा, यहाँ पे भी प्लस है साइन चेंज होगा माइनस मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर माइनस से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू ये माइनस वन, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये रहेगा वन प्लस माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 और एक्स इक्वल्स टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। ओके देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू रूट्स आर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 और एक्स इक्वल्स टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द LHS इक्वल्स टू RHS। ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आपने x इक्वल्स टू ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा, x इक्वल्स टू ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वाइल यूजिंग मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1। यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। अगर दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 0। नाउ 4 गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3x प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें देखना है मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, स्क्वायर रूट 3। मिडल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट देयर स्क्वायर रूट 3 बाय 2।
ओके और यह ये जो टर्म है इस टर्म का हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर अगर हमने लिया तो ये मिलेगा हमें 3/4। नाउ लुक हियर, उस टर्म को हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए अब इस प्रॉब्लम में क्या है, हम हमेशा वही मेथड यहाँ पे यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट में सेकंड में वैसे हम थर्ड में करने के लिए थर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ का जो 3/4 है ऑलरेडी हमें यहाँ पे 3/4 मिला है, जो यहाँ पे टर्म था, समझ रहे ना आप, जो स्क्वायर लेके जो टर्म हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना था वही टर्म हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने प्लस 3/4 माइनस 3/4 लिया, अभी इसके साथ कैंसिल होगा फिर से वही टर्म मिलेगा हमें, ठीक है ना। आपको समझ में आने के लिए मैंने ये लिया, वैसे यहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर हमें 3/4 मिला है और यही टर्म हमारे पास है, अगर वही मेथड हमने यहां पे अडॉप्ट किया प्लस और माइनस का तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये टर्म मिलेगा। इट मीन्स देर इज नो नीड टू एड एंड सब्सट्रैक्ट द टर्म इन दिस सिचुएशन। इस प्रकार की अगर सिचुएशन रहेगी तो यहाँ पे हमें इस टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की नेसेसिटी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि यही टर्म हमारे पास है 3/4। ओके अब देखिए मैं इसे अब इरेज करता हूँ, मतलब अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना आपके, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये कब पता चला हमें, हमने मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट लिया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका स्क्वायर लिया, तब हमें पता चला कि यही टर्म वहां पे हमें मिल रही है। ओके नाउ लुक हियर, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपने यहां पे ये फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहां पे हमने इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया x मिलेगा, 3/4 का स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट 3/2 मिलेगा, ओके। और मिडल टर्म का साइन प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब x प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। Therefore, x plus square root 3/2 equals to 0 or x plus square root 3/2 equals to 0 and therefore x equals to minus square root 3/2 or x equals to minus square root 3/2. You can substitute the value of x equals to minus root 3/2. And you will get there LHS equals to RHS, आप देख सकते हो, ठीक है। Therefore, the required two roots, ऐसा लिखेंगे, therefore, the required roots are, कौन कौन से रहेंगे, x equals to minus root 3/2 and x equals to minus root 3/2, ठीक है। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, देखिए हमारे पास एल एच एस क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 3, 4 इंटू 3/4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3/4 प्लस, ये माइनस है यहाँ पे, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इट विल बी 3, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 प्लस 3, नाउ दिस 4 कैंसल विद दिस 4, 12/2 6, 3 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
It means x equals to minus square root 3 by 2. This value satisfies the given equation. So x equals to minus 3 by 2. It is the root of given quadratic equation. इस प्रकार से सब क्वेश्चन थर्ड के हमें दो रूट्स क्या मिले हैं, x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई टू एंड x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई टू। सब क्वेश्चन फोर देखिए, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो उसी से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, dividing both sides by 2। यहाँ पे मिलेगा हमें 2x square upon 2 plus x upon 2 plus 4 upon 2 equals to 0। x square plus 1 upon 2x plus 2 equals to 0। Now what is the coefficient of middle term? It is 1 by 2. कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 1/2। इस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा। अब इस 1/4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इट विल बी 1/16। इस टर्म को हमें प्लस और माइनस लेना है, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, now look here, these three terms are the expansion of which term? देखिए, suppose हमने a plus b bracket square use किया, तो a plus b bracket square it will be a square plus 2ab plus b square, expansion हमें पता है। अब यहाँ पे ये term और ये term same है, तो मिलेगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, वो भी सिंपल है आइडेंटिफाई करना हमारे लिए, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं हम, x मिलेगा, ओके, 1/16 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 1/4 मिलेगा, मिडल टर्म का साइन लेते हैं प्लस और ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर आपने इसको एक्सपांड किया x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16। यहाँ से माइनस साइन सपोज अगर हमने बाहर लिया तो 1/16 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 16 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32/16 इक्वल्स टू 0। देन x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 माइनस 32, इट विल बी माइनस 31/16 इक्वल्स टू 0। ओके, देन देयरफॉर x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 31/16। लुक हियर, सपोज इसको हमने इस प्रकार से लिखा, माइनस 31 स्क्वायर रूट में अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा है, इसको लाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तभी हम इसके दो फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है ना, वी नो दैट व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर, अगर हमने किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो रियल नंबर का स्क्वायर रूट आइदर 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। आपने किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया
ठीक है, और हम स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू दिख रहा है माइनस स्क्वायर रूट 13/4, दिस वैल्यू इज नॉट रियल नंबर। ये वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर नहीं रहेगा। रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 13/4 इज नॉट अ रियल नंबर। हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, देखिए इसके बाद हम इसे किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31/4 इज नॉट रियल नंबर, ये यहां पे रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31/4 ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू रियल नंबर नहीं रहेगी। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपको टर्म दिख रहा है माइनस स्क्वायर रूट 31/4 ये टर्म यहाँ पे रियल नंबर नहीं है। ठीक है ना, अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। रियल नंबर में इसके रूट एग्जिस्ट होते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ये आपको नेक्स्ट ईयर में रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ द डिफरेंट नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से ही बनता है लेकिन वहाँ पे हम इमेजिनरी यूनिट कंसिडर करते हैं, जिसे ए प्लस आई बी इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ए प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, अभी हमारे लिए सबसे बड़े नंबर रियल नंबर ही है, रियल नंबर से कोई भी बड़ा नंबर हमारे लिए अभी तो नहीं है, इस स्टेज पे नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आगे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखने हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी इस फॉर्मेट का रहेगा। यहाँ पे जो आई है इसे कहते हैं हम इमेजिनरी यूनिट, और उस आई का वैल्यू रहता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आई इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ओके, तो इस माइनस स्क्वायर रूट 31 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके लिख सकते हैं लेकिन यार यहाँ पे रियल नंबर नहीं और हमें रियल रूट्स ही फाइंड करने हैं। यही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जो फॉर्मूला मेथड हमें यूज करना है, उस फॉर्मूला मेथड में वहीं पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिए हुए इक्वेशन के जो दो रूट्स रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे या फिर रियल नहीं रहेंगे, बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और इन फॉर्मूला मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पे उसी जगह पे जस्टिफाई कर सकते हैं, हम वहीं पे चेक कर सकते हैं कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे या फिर रियल नहीं रहेंगे। तो वही बेनिफिट रहेगा हमें फॉर्मूला मेथड का। ठीक है, लेकिन अब हम इसी प्रॉब्लम को, क्वेश्चन नंबर वन को हमें फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ उन कमेंट्स को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आपका आपका जो भी प्रॉब्लम है आपका वो प्रॉब्लम आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, आपको किसी मेथड कोई मेथड आपको समझ में नहीं आ रही होगी हो सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ दिक्कत जाती है तो प्लीज़ जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आवर मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ आप वो पूरे आपके प्रॉब्लम आपके जो भी सजेशंस रहेंगे वो सजेशन भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।